शांति। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मन को दृढ़ बनाने में त्याग, तपस्या एवं दृढ़ता एक अहम भूमिका निभाते हैं। तो फिर जब कोई योगी अपना जीवन योगयुक्त बनाने के पथ पर अग्रसर रहता है तो उसके मन में वर्तमान और भविष्य को लेकर अनेकानेक प्रश्न उत्पन्न होते हैं। जैसे कि यदि किसी कारणवश उसका योगी जीवन भ्रष्ट हो जाए तो आने वाले जन्मों में उसकी दुर्दशा क्या होगी। यही सभी प्रश्नों की चिंताएं उसके मन को खाए जाती हैं। तो इन सभी चिंताओं से मुक्त कैसे बन सकते हैं, आइए देखते हैं गीता रहस्य के 21वें एपिसोड में। कितना सुंदर समय है, हम प्रभु चर्चा कर रहे हैं, प्रभु चर्चा सुन रहे हैं। जीवन के वे क्षण अति सुंदर और अनमोल होते हैं जब हमारे मन में श्रेष्ठ विचार उत्पन्न हो रहे हों, जब हमारी वृत्तियां शांत हों, जब हमारा चित्त परमात्म प्रेम में ओतप्रोत हो गया हो, ऐसा ही समय है। हम श्रीमद् भगवद गीता के 6वें अध्याय के बिल्कुल अंतिम श्लोकों की ओर हैं, जिसमें भगवान कहते हैं, मैं बिल्कुल अंतिम बात आपके सामने रख रहा हूँ 6वें अध्याय के अंतिम श्लोक की, कि जो योगी निरंतर मुझ में स्थित हैं ऐसे योगी तो इस संसार में परम श्रेष्ठ हैं। भगवान ने ये भी कहा है, ज्ञानी आत्माएं तो मुझे अति प्रिय हैं, और साथ में ये भी कहा कि ज्ञानी और योगी आत्माएं तो मानो मेरा ही स्वरूप हैं। यदि संसार के लोग मुझे देखना चाहते हों तो ज्ञानी और योगियों को देखें। तो अर्जुन ऐसे ही एक प्रश्न करता है। ये प्रश्न उन सब के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है जो ज्ञान और योग के मार्ग का अवलंबन कर रहे हैं। अर्जुन पूछता है कि यदि किसी भी कारण से, माया के प्रभाव से, एक योग अभ्यास करने वाला मनुष्य अपने योग मार्ग पर सफल न हो और उसका देह छूट जाए, उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसकी गति क्या होती है। ऐसा योग में भ्रष्ट हुआ मनुष्य, भ्रष्ट का अर्थ यहाँ और कुछ नहीं, पूर्ण सफल न हुआ मनुष्य किस गति को प्राप्त करता है, उसका भविष्य कैसा होता है, उसका अगला जन्म कैसा होता है, उसकी अधोगति होती है या वो भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है। भगवान जो त्रिकालदर्शी हैं, जो सभी के आदि मध्य अंत को जानने वाले हैं, वो उत्तर देते हैं कि हे अर्जुन, हे वत्स, मेरे मार्ग पर चलने वाला कोई भी मनुष्य, चाहे वो मध्य में असफल ही क्यों न हो गया हो, अधो गति को प्राप्त नहीं होता। जिसने थोड़ा भी ज्ञान लिया हो, जिसने थोड़ा सा भी अपने जीवन को पवित्र बनाया हो और कभी कभी भी योग अभ्यास किया हो, और मान लो व्यस्तता के कारण, किसी विशेष दूषित वृत्ति के कारण, मन की चंचलता के कारण, किसी काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकार के कारण वो योग के मार्ग से विचलित हो गया हो, मृत्यु से पहले ही मान लो उसने योग का पथ छोड़ दिया हो, फिर से सांसारिक पथ अपना लिया हो, भोग विलास में जीवन जीने लगा हो और परमात्मा को बिल्कुल भूल गया हो, ऐसा मनुष्य भी मृत्यु के बाद कुछ श्रेष्ठ गति अवश्य प्राप्त करता है। वो छिन्न भिन्न नहीं होता, वो नर्कवासी नहीं बन जाता, वो बहुत सारी यातनाओं से भी बच जाता है, पाप से भी कुछ मुक्त हो जाता है। क्या गति होती है ऐसे मनुष्य की, भगवान के उन्हीं महावाक्यों को हम बहुत सहज भाषा में आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहे हैं। होता क्या है कि मनुष्य जब शरीर छोड़ता है, उसके मन में उसके पाप और पुण्य, जो कुछ उसने किया है, वो सब सामने आ जाते हैं। और यदि किसी मनुष्य ने योग अभ्यास अच्छा किया हो कुछ समय भी, तो उससे प्राप्त हुआ सुख उसको अंत में अवश्य याद आएगा। भले ही पाप भी याद आएंगे, लेकिन उसको पश्चाताप भी होगा कि मैंने एक श्रेष्ठ पथ को बिना कारण सांसारिक तृष्णाओं के पीछे दौड़ते हुए यूं ही छोड़ दिया। तो मनुष्य का जो पुनर्जन्म है, वो उसकी अंतिम इच्छा, अंतिम भावना
अंत में मन की जो स्थिति होती है उसके अनुसार ही होता है। पुनर्जन्म के पीछे ये एक रहस्य है। परंतु कोई ये ना सोचे कि हम सारा जीवन पाप कर ले और मृत्यु के समय अच्छे विचार करेंगे, पुण्य कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। जिसने लंबा काल जैसा किया है अंत में मृत्यु के समय वैसी ही उसकी मनोस्थिति होती है। तो ऐसा व्यक्ति, ऐसी आत्मा जब उसे पुनर्जन्म लेना होता है, वो उन परिवारों में जाकर पुनर्जन्म लेता है जिसे भगवान ने श्रीमानों का परिवार कहा है, अच्छे लोगों का परिवार। अच्छे लोगों का अर्थ यहाँ धनवानों से नहीं होता, अच्छे लोग उन्हें कहा जाता है जिनके जीवन में सात्विकता हो, जिनके विचार बहुत सुंदर हों, जिनके परिवार में प्रभु प्रेम की तरंगे चारों ओर फैलती हों, जिनका भोजन बिल्कुल सात्विक हो, मांसाहार, शराब, अल्कोहल, बीड़ी, सिगरेट, जो इन सब से परे हों, ऐसा परिवार सात्विक परिवार श्रीमानों का परिवार कहा जाता है। जिनके परिवार में आपस में सभी मनुष्य बहुत प्यार से, अपनेपन से, सम्मान से, सहयोग की भावना से रहते हों, ऐसा परिवार श्रेष्ठ जनों का परिवार कहलाया जाता है। ऐसे ही परिवार में वो आत्मा फिर से पुनर्जन्म ले लेती है, और क्योंकि उसने ज्ञान लिया हुआ था, क्योंकि उसने थोड़ा बहुत भी योग अभ्यास किया था, तो उसके वो संस्कार बचपन से ही फिर से काम करने लगते हैं। उसका झुकाव परमात्मा की ओर होने लगता है, भक्ति भावना की ओर होने लगता है, ईश्वरीय ज्ञान लेने की उसके अंदर सूक्ष्म रूप से इच्छा उत्पन्न होने लगती है। वो कोई भी पाप कर्म नहीं करता, क्योंकि मृत्यु के समय उसने ये दृढ़ संकल्प कर लिया था कि अब मैं पाप नहीं करूँगा। इस संकल्प के प्रभाव से वो अनेक तरह के पापों से और विषय विकारों के आकर्षण से मुक्त रहता है। और ऐसी एक अच्छी आत्मा के उस परिवार में आगमन से उस परिवार पर भी उसके वाइब्रेशंस का बहुत अच्छा असर पड़ता है। देखिए, यहाँ दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। परिवार की भक्ति भावना, अच्छी स्थिति, सात्विकता उस बच्चे को बहुत अच्छा बल देती है, उसके विचारों को श्रेष्ठ रखती है, उसको महान बनाती है। और बच्चे के पूर्व जन्मों के कर्म, भक्ति भावना, योग साधना, उससे उत्पन्न हुए श्रेष्ठ वाइब्रेशंस उस परिवार वालों को भी अच्छी प्रेरणाएं देते हैं। तो इस तरह वो मनुष्य वहां जाकर पुनः अपने संस्कारों के कारण ज्ञान और योग के मार्ग पर चलने लगता है। वास्तव में अपने सारे परिवार को भी वो ज्ञान और योग के मार्ग पर ले आता है। इस तरह ऐसा व्यक्ति भी श्रेष्ठ गति को प्राप्त कर लेता है। उसके द्वारा अन्य लोगों की सेवाएं भी हो जाती हैं, अन्य कई आत्माएं भी उसके माध्यम से परमात्मा के समीप आ जाती हैं। इसलिए योग की सर्वश्रेष्ठ महिमा है। योग चाहे थोड़ा भी कर लिया जाए, हम तो ये कहेंगे भगवान के महावाक्य सुनकर हमने ये जान लिया है कि जो मनुष्य सच्चे दिल से एक बार भी ये मान ले और कह दे भगवान मेरा है, वो मेरा परमपिता है, मैं उसका हूँ, मेरा सब कुछ उसका है, उसका सब कुछ मेरा है, ऐसा व्यक्ति भी परमात्म वर्षे का अधिकारी हो जाता है। उसे भी मुक्ति का वरदान मिल जाता है, क्योंकि मुक्ति परमात्मा का वर्षा है, उसकी संपत्ति है। जो अपने को उसका बच्चा मान लेता है वो मुक्ति का अधिकारी अवश्य बन जाता है। लेकिन बात जीवन मुक्ति के अधिकारी बनने की होती है। जो मुक्ति से कहीं श्रेष्ठ है, उसके लिए मनुष्य को अपने जीवन को विकारों से मुक्त करके लंबा काल योग अभ्यास करना पड़ता है। अब हम प्रवेश कर रहे हैं सातवें अध्याय में, जिसकी शुरुआत भी इसी तरह है कि हे अर्जुन, तू मुझसे योग युक्त हो जा, तू मुझे जान, मुझे जानकर तुम्हें और कुछ जानना बाकी नहीं रहेगा, और मेरे द्वारा तू मुझे जान। ये भी सत्य बात है कि भगवान को पुस्तक ग्रंथों शास्त्रों के द्वारा नहीं जाना जा सकता, वो स्वयं ही स्वयं को जानते हैं, और जब तक वो स्वयं आकर अपने भेद न खोले
कोई भी संपूर्ण परमात्म ज्ञान का अधिकारी नहीं बन सकता। शास्त्र वेद ग्रंथ पढ़ते पढ़ते तो मनुष्य की खोज कभी भी समाप्त नहीं होती। जैसा हम देखते आ रहे हैं, हजारों साल से मनुष्य ने इन धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया, परंतु उसकी खोज समाप्त नहीं हुई। उसको नहीं पता चला तुम कौन हो और तुम्हारा परमपिता कौन है, वो कहाँ रहता है, वो क्या करता है, किस तरह करता है, किस तरह आता है, इसका पता आज तक मनुष्य को नहीं चला। इसलिए भगवान सातवें अध्याय में कहते हैं कि बहुत सारे मनुष्यों से कोई बिरला ही तो मुझे जानने का प्रयास करता है, कोई बिरला उनमें से मुझे बहुत प्यार करता है, उन करोड़ों में से कोई बिरला ही मुझसे योगयुक्त होता है। तो योग एक बहुत सुंदर, सुखदायी, कल्याणकारी, विश्व का कल्याण करने वाली साधना है। सातवां अध्याय विशेष रूप से हमें ये संदेश देता है कि भगवान कौन है, हम उसे जान लें, हम उसके सत्य स्वरूप को पहचान लें, उसके रूप को जाने, उसके गुणों को जाने, उसके कर्तव्यों को जाने, उसके धाम को जाने और उससे जुड़ जाएं। केवल जानना भी पर्याप्त नहीं होता, लेकिन हमें स्वयं को उससे जोड़ भी देना होगा। बिना जुड़े उसका सर्वस्व हमारा नहीं हो सकेगा। तो हम इसी अध्याय को लेकर अब आगे बढ़ते हैं। परमात्मा ने वो बात फिर रिपीट की है कि ज्ञानी जन, योगी जन मुझे अति प्रिय हैं। क्यों प्रिय हैं? क्योंकि वास्तव में वो मेरे जैसे ही बन जाते हैं। हमें ये जानना चाहिए कि आत्मा कभी परमात्मा नहीं बनती, लेकिन परमात्मा जैसा अवश्य बन जाती है। जैसे एक बच्चा और बाप, बच्चा कभी बाप नहीं होता, बाप बाप रहता है, बच्चा बच्चा रहता है, लेकिन एक बच्चा अपने बाप जैसा तो बन जाता है, बन सकता है। तो परमात्मा ने अपनी विभूतियों का वर्णन किया है इस अध्याय के शुरू से ही। मैं संक्षेप में आपको उसकी एक झलक दिखा दूं। परमात्मा इस सृष्टि का बीज रूप है। जैसे बीज छोटा होता है, वृक्ष बहुत बड़ा होता है, पीपल का पेड़ कितना बड़ा होता है और उसका बीज कितना छोटा सा होता है, एक गुह्य रहस्य इस संबंध में हम सभी को जानना चाहिए कि बीज में संपूर्ण झाड़ सूक्ष्म रूप से समाया रहता है। यदि कोई उस बीज की संपूर्ण स्टडी कर ले, आजकल ऐसे साधन तो नहीं बने हैं, तो उसे पता चलेगा कि संपूर्ण वृक्ष, वृक्ष का संपूर्ण स्वरूप कैसे, उसकी लंबाई होगी, चौड़ाई होगी, मोटाई होगी, कैसे पत्ते होंगे, क्या स्वरूप होगा, फल कब आएगा, उसकी कितनी आयु होगी, वो नष्ट कब होगा, ये सब उस बीज में समाया होता है। परमात्मा भी सृष्टि का बीज है। ये सृष्टि भी एक कल्प वृक्ष के समान है, परमात्मा इसका बीज है, उसमें भी सब कुछ समाया रहता है। इसलिए ये मान लिया गया कि भगवान से ही ये संसार उत्पन्न हुआ है और पुनः उसमें ही समा जाता है, क्योंकि बीज से वृक्ष बनता है और वृक्ष से पुनः बीज बन जाता है। हम सभी आत्माएं हैं। योग संबंध में ये बात मैं बीच में ही आपके समक्ष रख दूं, आत्मा भी बीज है इस शरीर का। और भगवान ने कहा जो सभी मनुष्यों को आत्मिक दृष्टि से देखता है वो भी मानो मेरे ही समान है। इसकी चर्चा हम पीछे कराए हैं। तो परमात्मा इस सृष्टि का बीज रूप है। बीज छोटा होता है। परमात्मा के स्वरूप के बारे में हमें जानना चाहिए। वो ज्योति है, बिंदु है, स्वयं प्रकाशमान है, इसलिए उसको अखंड ज्योति कहते हैं, महाज्योति कहते हैं। वो ज्योति कोई आजकल की ज्योति जैसी नहीं, हम मोमबत्ती जला देते हैं या कोई ज्योति जला देते हैं घी से, वो प्रकाश प्रकृति का प्रकाश है, स्थूल प्रकाश है। परमात्मा जो ज्योति है वो अलौकिक है, प्रकृति से परे है, अविनाशी है, अखंड है। वो ज्योति वैसी है जैसी आत्म ज्योति। आत्मा और परमात्मा के स्वरूप में वास्तव में कोई विशेष अंतर नहीं, लेकिन गुणों और शक्तियों में महान अंतर है। परमात्मा सिंधु समान है,
सागर की तरह शक्तियों में, प्रेम में, आनंद में, ज्ञान में, और आत्मा उसका स्वरूप है। हम सभी आत्माएं इस प्रकृति से जुड़ जाती हैं इस संसार में। ये चर्चाएं गीता में कुछ इस तरह की गई हैं कि आम लोगों की समझ से परे की बात होती है। कहीं कहीं तो विद्वान लोग भी उन बातों को ठीक से समझ नहीं पाते। देखिए, संसार, आत्मा और प्रकृति, इन दो चीज़ों का मिलन है। आत्मा का मेल जब प्रकृति से होता है तो मनुष्य बनता है, उसे शरीर प्राप्त होता है और ये संसार बनता है, ये संसार आगे चलता है। तो आत्मा, परमात्मा और प्रकृति, ये तीन सत्ताएं हैं, तीनों ही अनादि अविनाशी हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि प्रकृति का निर्माण परमात्मा ने किया है, कोई ये भी नहीं कह सकता कि आत्माओं को जन्म परमात्मा ने दिया है। ये मान्यताएं गलत हैं। आत्मा भी अनादि अविनाशी, प्रकृति भी अनादि अविनाशी, परमात्मा भी अनादि अविनाशी। परमात्मा का संबंध आत्माओं से रहता है, आत्माओं का संबंध प्रकृति से रहता है। आत्मा प्रकृति को प्रभावित करती है, प्रकृति आत्मा को प्रभावित करती है। आत्मा जब सतोप्रधान है, प्रकृति पर उसका प्रभाव पड़ जाता है, प्रकृति सतोप्रधान बन जाती है। इसलिए कहीं कहीं प्रकृति को मनुष्य आत्माओं की रचना भी मान लिया गया है। ये रचना इस सेंस में नहीं कि मनुष्य आत्माएं प्रकृति को बनाते हैं। कोई पेड़ बनाकर तो दिखाए, कोई घास बनाकर तो दिखाए, कोई दूध बनाकर तो दिखाए। विज्ञान इतना उन्नत हो गया है, कोई रक्त बना सकता है, ब्लड बना सका है। हर माँ के गर्भ पेट में, शरीर में, वक्ष में ब्लड ये बन रहा है, दूध। क्या कोई फैक्ट्री दूध बना पाई है? क्या वैज्ञानिक दूध कैसे बनेगा, उसका निर्माण कर सके हैं, उसकी खोज कर सके हैं? तो प्रकृति की रचना करने की शक्ति मनुष्य मात्र में नहीं है, लेकिन प्रकृति को प्रभावित करने की शक्ति मनुष्य आत्माओं में है। इसलिए कहीं कहीं ये कह दिया जाता है कि प्रकृति तो मनुष्य की रचना है, क्योंकि वो उससे निरंतर प्रभावित है। जब मनुष्य आत्माएं तमोप्रधान बन जाती हैं, तो प्रकृति भी तमोप्रधान बन जाती है, जो आज प्रकृति का स्वरूप है। तमोप्रधान प्रकृति, तमोप्रधान मनुष्य आत्माओं को कष्ट देती है। सतोप्रधान प्रकृति, सतोप्रधान मनुष्य आत्माओं को बहुत सुख प्रदान करती है। तो ये आत्मा, परमात्मा और प्रकृति का आपस में बहुत सुंदर संबंध है, कनेक्शन है, रिलेशनशिप है। परमात्मा आत्माओं को शक्ति देते हैं, पवित्रता प्रदान करते हैं, संपूर्ण बनाते हैं, उनके सभी पाप नष्ट करा देते हैं योग अग्नि में। इसलिए परमात्मा को पिता कहा गया। पिता का अर्थ भी ये नहीं कि उसने आत्मा कोई बनाई है, उसको जन्म दिया है, लेकिन ये कहेंगे वो आत्मा का प्योरिफिकेशन करते हैं। जैसे एक चीज़ टूट गई हो और कोई उसे फिर से बना दे, तो कहेंगे ना, इस व्यक्ति ने ये चीज़ बनाई। देखिए, कोई व्यक्ति कोई चीज़ बना रहा है, सुनार सोने से गहना बना रहा है, कहने में ये आएगा भाई फलाने सुनार ने ये जेवर तैयार किया, वो इसका रचने वाला है, क्रिएटर है। पर सच्ची बात तो ये कि उसने उसको क्रिएट नहीं किया, उसने सोने को नया स्वरूप प्रदान किया, इसलिए वो उसका क्रिएटर है। परमात्मा भी आत्माओं का क्रिएटर, रचयिता, मालिक, पिता इसलिए माना जाता है क्योंकि वो आत्माओं को मूल स्वरूप में ले जाता है, उन्हें नया स्वरूप प्रदान करता है। संसार का भी क्रिएटर वो इसी सेंस में कहा जाता है कि संसार जब कलयुग में पहुंच जाता है, इसका स्वरूप बिल्कुल बिगड़ जाता है, तब वो कलयुग का संहार कराकर इसे नया स्वरूप प्रदान कर देता है, सतयुग, सतयुगी स्वरूप, सतयुग में इसे बदल देता है। ये रहस्य है आत्मा, परमात्मा और प्रकृति के मिलन का। तो परमात्मा हम सभी का पिता है, ज्योति स्वरूप है, वो कभी जन्म मरण के चक्कर में नहीं आता। सातवें अध्याय में ये बात दो तीन बार आ गई कि
बुद्धिहीन लोग मुझे मनुष्यों की तरह समझते हैं, मुझे जन्म लेने और मरने वाला मान लेते हैं। मूढ़मति लोग मुझे नहीं पहचानते और मेरी ग्लानी करते रहते हैं। जो तमो प्रधान हो गए हैं वो मेरे विपरीत ही बात करते हैं, वो मुझे कभी नहीं भजते, वो मेरा कभी नहीं ध्यान करते। ऐसे तमो प्रधान मनुष्यों का तो संहार कराने के लिए ही मैं आता हूँ। तो परमात्म तत्व एक बहुत पवित्र शक्ति है, बहुत श्रेष्ठ अस्तित्व है उसका। लेकिन एक गहरी बात मैं आप सभी के सामने और रख दूं कि जब परमात्मा इस संसार को नया स्वरूप देकर वापस अपने परम धाम चले जाते हैं, उसके बाद ये संसार सतयुग से त्रेता में, त्रेता से द्वापर में, द्वापर से कलयुग में स्वतः ही घूमता है। परमात्मा का इंटरफेरेंस इसके बीच में और कुछ भी नहीं होता। इस संसार की अपनी एक गति है, अपना एक क्रम है, और वो क्रम चलता है कर्म गति के अनुसार। जैसा कर्म वैसा फल, इस गति के अनुसार हर मनुष्य चलता है। मनुष्यों से जुड़ा हुआ ये संसार आगे बढ़ता है। इसलिए परमात्मा कोई बीच बीच में यहाँ पर अपना काम करने आते हों, उसका कुछ हस्तक्षेप हो, उसकी आवश्यकता नहीं रहती है। लेकिन परमात्मा को इस सृष्टि पर एक बार अवश्य आना पड़ता है, और वो समय है कलयुग के अंत का समय। उसके अवतरण के समय का ज्ञान हमें स्पष्ट होना चाहिए। लोग समझ लेते हैं वो सतयुग में भी आया, त्रेता में भी आया, द्वापर में भी आया, कलयुग में भी आया, फिर आएगा। अगर भगवान बीच में आए होते, परमात्मा के तीन मुख्य कर्तव्य हैं, स्थापना, विनाश और पालना, तो परमात्मा क्या करेंगे बीच में आकर? भक्तों को फल तो वो स्वतः ही देते रहते हैं, लेकिन उसके मुख्य कार्य करने के लिए ही उसको धरा पर आना पड़ता है। वो केवल भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए यहाँ नहीं आते, ज्ञान देकर संसार को नया स्वरूप प्रदान करने आते हैं। तो सृष्टि चक्र के बीच में उनके आने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सृष्टि चक्र नीचे उतरता है, इसकी उतरने की गति है। ये सतो प्रधान से सतो, रजो और फिर तमो प्रधानता की ओर स्वतः ही अग्रसर होता है मनुष्य आत्माओं के कारण से। परमात्मा बीच में यदि आए तो वो इसका उत्थान करेगा, उद्धार करेगा, और उद्धार का समय वो नहीं होता है, वो पतन का ही काल होता है। तो हम सभी इस गति को बहुत अच्छी तरह समझ लें। परमात्मा अपने तीनों मुख्य कार्य कराने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और शंकर की रचना करते हैं, और वही ब्रह्मा के द्वारा नई सृष्टि की स्थापना, शंकर के द्वारा कलयुगी सृष्टि का विनाश, और विष्णु के द्वारा नई सृष्टि की पालना का श्रेष्ठ काम कराते हैं। पालना का अर्थ ये कदापि नहीं कि भगवान सबको सब कुछ दे रहा है। आजकल भी अगर वो सबको सब कुछ दे तो समान रूप से ही देगा, क्योंकि उसके पास भेदभाव नहीं है। ये सब कुछ जो प्राप्त कर रहा है, ये तो मनुष्य अपने कर्म से, अपने प्रयास से, अपनी बुद्धि के द्वारा प्राप्त कर रहा है। परमात्मा सतयुग रच देते हैं। सतयुग की पालना कराने के लिए, सृष्टि की पालना कराने के लिए महान आत्माओं को तैयार कर देते हैं, जो देव रूप में दो युग तक सृष्टि का संचालन करते हैं, राज करते हैं, हर मनुष्य की पालना करते हैं। पालना का यही अर्थ होता है। भगवान ने बहुत स्पष्ट कहा कि संसार में कुछ लोग केवल मुझसे योग लगाते हैं, दूसरे कुछ लोग केवल देवताओं को भजते हैं। तो यद्यपि मैं ही देवताओं को भजने वाले भक्तों की मनोकामनाएं देवताओं के रूप से पूर्ण कर देता हूं, लेकिन जो केवल मुझसे बुद्धि योग लगाते हैं, जो मेरे परायण आ जाते हैं, जो मुझ पे अर्पित हो जाते हैं, जो केवल मुझसे प्यार करते हैं, उन वो मुझे ही प्राप्त हो जाते हैं। परमात्मा को प्राप्त होने से सर्वस्व प्राप्त हो जाता है। इसलिए हम सभी को चाहिए, देवी देवताओं की पूजा अर्चना तो हमने जन्म जन्म की, और हमें थोड़ी थोड़ी प्राप्ति भी उनसे होती रही, लेकिन देवताओं का भी जो परमपिता है, देवताओं का भी जो क्रिएटर है, देवताओं से भी जो ऊपर है, उस परमपिता से हम अपने बुद्धि योग को जोड़ लें, तो हमें
लंबे काल के लिए मुक्ति और जीवन मुक्ति का अधिकार प्राप्त हो जाएगा और यही हमारी सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति होगी। भले ही एक योगी की साधना भ्रष्ट हो जाए अथवा उसकी साधना पूरी न हो, फिर भी परमात्मा क्षमा के सागर होने के कारण उसे एक और अवसर दे देते हैं कि वह अपने जीवन को फिर से योग्ययुक्त बना सकता है। तभी वह आत्मा परमात्मा से दृढ़ निश्चय कर उनसे किए हुए वादे को पूरी निष्ठा से पूर्ण करती है। इसी के साथ हम 21वें एपिसोड के अंत तक आ पहुँचे हैं। अगर आपके मन में कोई प्रश्न अथवा सुझाव हो तो हमें ज़रूर लिख भेजिए। हमारा पता है ओम शांति वीडियो चैनल, शांतिवन, तलेटी, आबू रोड, 307510। हमारा फ़ोन नंबर है 0941442386। हमारा वतन है।
Thank you.